बड़ी खबर है, कल रात 12 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चली। कल सदन की कार्यवाही 12:17 तक चली। लगभग 125 सदस्यों ने सदन में अपने अपने क्षेत्रों के तमाम प्रमुख मुद्दों को उठाया। यूपी विधानसभा सत्र का आज 6 दिन है और आज का दिन भी हंगामेदार होने के पूरे आसार बने हुए हैं। सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे सदन में। आज भी सदन में सीएम योगी का आज संबोधन होगा। आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। और देखिए, प्रयागराज का जो मामला है वो भी आज सदन में उठाया जा सकता है। विपक्षी दलों की तरफ से जिस तरीके से उमेश पाल और उनके गनर की हत्या कर दी गई, सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मौजूद रहेंगे। दोनों का संबोधन रहेगा। संजय चौहान का रुख करेंगे। संजय जुड़ चुके हैं। संजय, आज 6 दिन है विधानसभा सत्र का, कल भी बहुत देर तक विधानसभा की कार्यवाही चली और आज ये माना जा रहा है कि प्रयागराज का मुद्दा भी बहुत प्रमुखता से विपक्षी जो दल है वो उठा सकते हैं सदन में। नेता, आज सदन का 6 दिन है और 6 दिन आ चुकी नेता सदन मुख्यमंत्री के तौर पर आज वहां पर भाषण देंगे और कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के वहां पर भाषण होगा। चूँकि राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 दिन तक चर्चा चलनी थी और उसके बाद बजट पर चर्चा कल से शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में आज सदन का जो 6 दिन है वो हंगामेदार होगा। चूँकि कानपुर का मामला हो 6-7 दिन से ऊपर का हो गया है और SIT का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं निकल के सामने आ पाई है और ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो SIT की टीम है वो IS लॉबी के दबाव में आकर के DM को बचाने का प्रयास कर रही है। वही प्रयागराज में जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी और मुख्य गवाह राजूपुर हत्याकांड के मुकेश पाल की हत्या हुई, उनके ड्राइवर को मारा गया, उनके गनर को मारा गया, जिसमें 2 मौतें अब तक हो चुकी हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर जो अतीक अहमद के 2 बेटे और 6 उनके करीबियों को जरूर उठाया गया है, लेकिन सदन पर आज कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर इस पूरे मामले पर हंगामा देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले को वहां पर उठाया जा सकता है। तो कानून व्यवस्था हो, बेरोजगारी हो, किसानों के गन्ना भुगतान का मामला रहा हो, या किसानों की बिजली का के वो बिल को माफ़ किए जाने के मुद्दे रहे हो, या किसानों की आय बढ़ाने का मामला रहा हो, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष हंगामा करेगा। और कल जिस तरीके से स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के शिवपाल यादव की अगुवाई में समूचा विपक्ष ने हंगामा किया था, तो आज भी सदन जो है नेता सदन के भाषण के बाद हंगामे का उमेश पाल का मसला भी उठाया जा सकता है आज सदन में। आप बने रहिए हमारे साथ। संजय, तो बड़ी खबर इस वक्त है, कल रात 12 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही चलती रही। कल सदन की कार्यवाही 12 बजे से लेकर लगातार चलती रही। लगभग 125 सदस्यों ने सदन में अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठाया, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए विधायकों के द्वारा। कल सदन की कार्यवाही 12:17 तक चली। और संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, 125 सदस्यों ने सदन में अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए रहे और सबसे महत्वपूर्ण ये कि 12 बजे से लेकर 17 मिनट तक ये सदन चलता रहा। बिल्कुल साथी, कल देर रात तक सदन को चलाया गया है। तमाम मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों को लेकर के सदन पे बातचीत हो रही थी। कल सुबह से ही सदन हंगामेदार और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही थी। जिस तरीके से स्वास्थ्य को मुद्दे को लेकर के नेता सदन के तौर पर शिवपाल यादव ने उठाया था, उसके बाद विपक्ष ने जातीय जनगणना के तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों को घेरते हुए नजर आया। उसके बाद देर रात तक ये सदन चला और तकरीबन बताया जा रहा है कि 12:30 बजे तक सदन को चलाया गया, जिससे तमाम जो विधायक हैं उनके सवालों के जवाब देना जरूरी था। चूँकि इस बार के सदन में ये तय किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि सतीश माना के द्वारा, कि जो भी सवाल विधायकों के होंगे उनके माकूल जवाब अधिकारियों के द्वारा, विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर अक्सर हम देखते हैं संजय कि शोरगुल और हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है और अक्सर ऐसा होता आया है, शोरगुल जमकर चलता रहता है। लेकिन कल का दिन बहुत ऐतिहासिक था, रात 12 बजे तक ये कार्यवाही चली और जो मुद्दे थे वो कह सकते हैं सिलसिलेवार तरीके से बहुत प्रमुखता के साथ उठाए गए।
अक्सर नेता मतलब कहीं कहीं विधायकों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने एक व्यवस्था जारी की है कि सभी विधायक जो अपने अपने सवाल लगाते हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के तमाम कार्यों के लिए, तो उनको माकूल जवाब उनको मिलना चाहिए, जिससे वो अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में जहाँ से वो चुन के आते हैं उनको संतुष्ट कर सके। तो ऐसे में इसी वजह से ये व्यवस्था लागू की है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कि सभी विधायकों को माकूल जवाब मिले और संबंधित लोग भी मौजूद रहें वहाँ पर जो उसका जवाबदेह है और जिसकी जिम्मेदारी है। तो सवाल करने वाला और सवाल के जवाब को देने वाले दोनों की मौजूदगी जरूरी है। तो ऐसे में यही वजह थी कि कल माकूल जवाब जितने भी सवाल लगाए गए थे कल के लिए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है आपका, बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के साथ